किसानों का आंदोलन तो गैर राजनीतिक, लेकिन सरकार इसको संपूर्ण राजनीति कर रही है। सरकार राजधर्म नहीं निभाया। ये जंगे आजादी की लड़ाई के बाद ही पहला आंदोलन है और पहले ऐसी नकम्मी और नालायक केंद्र की सरकार है और सबसे बड़ी दोषी प्रदेश सरकार है। मैंने तो कहा जब मुख्यमंत्री जी को ये पता ही था कि वे वहाँ की जनता नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री जी उनके बीच में आए और घाव के ऊपर नमक नहीं छिड़क तो मिर्च छिड़क दे, नमक अकेला भी छिड़क दे, नमक भी और मिर्च भी है, लानी तो चाहिए थी मरहम, और ये उनके घाव को कुरेद रहा। मैंने एक जेजेपी के विधायक का बयान पढ़े, बार बार ये जेजेपी के विधायक कहते मेरे इस्तीफा देने से क्या बनता है। मैं कहता हूँ ये झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करें। जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, अगर इन्होंने किसान की मदद करनी है, अगर ये इन कानूनों के खिलाफ, तो ये तत्काल अपना समर्थन वापिस ले सकेगी। आपको याद होगा 31 दिसंबर की रात को हमारे बूढ़े बुजुर्ग किसान सड़कों पर थे और ये कैसीनो में तो जुआ सट्टा जहाँ खेले जाता है, मतलब कैसीनो कोई तीर्थ स्थान नहीं है, कैसीनो कोई हमारा भगवान जी का मंदिर नहीं है, कैसीनो तो केवल काले धन की कमाई पर बिगड़ैल परिवारों के बच्चे कैसीनो में जाते हैं, वहाँ नशाखोरी भी है और वहाँ जुआ खेलने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। एक बार फिर हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। जानेंगे उनसे हाल फिलहाल के मुद्दों पर और कृषि कानूनों को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि काफी समय से बड़ा लंबा अंतराल हो गया है इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार मानने को तैयार है, लेकिन इनकी इन पर क्या कुछ राय है इन आंदोलन को देखते हुए जो इतना लंबा आंदोलन चला है। सबसे पहले तो जयप्रकाश जी, कैथल ब्रेकिंग टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आंदोलन को बहुत लंबा समय हो गया है, क्या मानते हैं राजनीतिक या गैर राजनीतिक? किसानों का आंदोलन तो गैर राजनीतिक है, लेकिन सरकार इस पर संपूर्ण राजनीति कर रही है। सरकार राजधर्म नहीं निभा रही। सरकार जब प्रजातंत्र में, वैसे तो ये कहावत है कि लोक राज लोक लाज से चलता है, जब लोक लाज है ही नहीं, लोग खिलाफ हैं, तो सरकार ने इस कानून को तत्काल वापिस ले लेना चाहिए था, बल्कि अभी भी देरी कर दी है। और मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वापिस ले ले तो बेहतर है, क्योंकि जंगे आज़ादी की लड़ाई के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हमारे लगभग 60 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, यानी कि शहादत दी जी। हमारे संतों ने, साधुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपने प्राण निछावर कर दिए इस किसान के लिए जी। और किसान के लिए, देश के लिए, क्योंकि ये किसान आंदोलन की जो बार बार बात की जा रही है, मैं कहता हूँ अकेले किसान का आंदोलन नहीं है, ये खेती हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो किसान खेती करता है या खेती पर आधारित व्यापार करता है, खेती पर आधारित मजदूरी करता है, यानी कि खेती पर के साथ साथ जो नौकरी करता है, तो हर व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी अधर्मी को नहीं अपनाना चाहिए। और ये बार बार जिस तरीके से प्रदेशों के नेता या मुख्यमंत्री बयान देते हैं, ये अमुक जाति के हैं, अमुक व्यक्ति हैं, अमुक आंदोलन से संबंध रखते हैं, गलत है। ये आज तो देख लिया होगा कि आंदोलन संपूर्ण किसान वर्ग का है, हरियाणा प्रदेश का नहीं है, कल्ला पंजाब का नहीं है, कल्ला राजस्थान का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जंगे आजादी की लड़ाई से पहले आपको याद होगा, आपने शहीद भगत सिंह जी की चिट्ठियां पढ़ी होंगी। शहीद भगत सिंह तो पार्लियामेंट में अकेले तो गए थे जी, साथ कुछ लोग थोड़े गए थे जी। तो उनको इस देश की जनता को जगाना था और अंग्रेज को जागरूक करना था कि भाई अंग्रेज तो समझो। तो ये जो बार बार ये चर्चा की जा रही है कि हरियाणा का और पंजाब का आंदोलन है या राजस्थान का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ऐसा नहीं, पूरा देश का किसान और मजदूर, नहीं कहूंगा आज मैं, पूरे देश की जनता आज इस आंदोलन से परेशान है, वो चाहती है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले। जयप्रकाश जी, बड़ा लंबा आंदोलन चल रहा है, लगभग 1.5 महीना बीतने को है और नोक दौर की वार्तालाप हो गया, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख जो है मिलती जा रही है। इस तारीखों के बीच में कम से कम लगभग 60 किसान जो है वो अपनी शहादत जो है वो दे चुके हैं। कहाँ कितना सही मानते हैं कि इस तरह के जो आंदोलन में इस तरह की शहादतें दी गई और सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं, अड़िग है? नहीं, मैं तो खुद ही कहा है कि जंगे आजादी की लड़ाई के बाद ही पहला आंदोलन है और पहले ऐसी नकम्मी और नालायक केंद्र की सरकार है और सबसे बड़ी दोषी प्रदेश सरकार है। मैंने तो कहा था कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए,
जाकर के बताना चाहिए कि वे हमारे किसान अपने प्राणों की आहुति इस प्रदेश के, इस देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए दे रहे, उनको रोका जाए। आप ये देखिए, सूखा के कारण, लोन के कारण एक किसान मरता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है जी। तो ये 60 किसान जो जिन शहीद हुए हैं, ये सियासत है बड़ी भारी, तो आज तक कोई संज्ञान ही नहीं है केंद्र सरकार। सरकार मान क्यों नहीं रही, क्या चाहती है सरकार? सरकार वो कहते हैं ना कि हठधर्मी को अपना रही है, और हठधर्मी भी ऐसी कि इनके दिमाग में यह प्रजातंत्र में गणित का सवाल होता है, ये गणित के हिसाब से ये सोचते हैं। कभी तो इस प्रदेश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, कभी इस प्रदेश की जनता को जातियों में बांट देते हैं, कभी धर्मों में, कई क्षेत्रवाद का नारा लेते, रीजनलिज्म की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। तो इस तरीके से सोचते हैं कि तुम्हारा काम चल रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा और भारत की सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि अब पूरा भारतवर्ष एक हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना, एक इलेक्शन और एक राष्ट्र और एक चुनाव जी। आज पूरा देश का किसान, मोदी जी, चुनाव तो एक बार हो नहीं सकता पूरे देश का है, और देश एक है, लेकिन आज इस देश का किसान भी एक है, एक होकर के लड़ रहा है। बात करें जयप्रकाश जी, आज के अगर बात करें करनाल में, आज मुख्यमंत्री द्वारा जो महापंचायत का आयोजन किया, जहां किसानों ने विरोध किया है और किसानों पर जो है लाठीचार्ज भी किया गया है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वैसे तो मुझे बड़ा दुख है कि निहत्थे निर्दोष किसानों के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग किया गया, बुरी बात है। जब मुख्यमंत्री जी को ये पता ही था कि वे वहाँ की जनता नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री जी उनके बीच में आए और घाव के ऊपर नमक नहीं छिड़क रहे तो मिर्च छिड़क रहे, नमक अकेला भी छिड़क रहे, नमक भी है, मिर्च भी है, ये लानी तो चाहिए थी मर्रम, और ये उनके घाव को कुरेद रहे हैं, जिसका आज करनाल के किसानों ने विरोध किया। और मैं कृषि मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आज की इस जो ये एपिसोड हुआ है वहाँ करनाल के गांव में, तो उससे ये सोच लेना चाहिए कि जो परसों चौथ मैंने मुख्यमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का बयान पढ़ा था कि भाई ये तो कुछ किसान है, बहुत से किसान हमारे समर्थन में है, अगर उनका एक किसान संगठन इस बिल के समर्थन में है तो वो आज दिखाओ। आज हरियाणा प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, केरला हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, मतलब पूरा भारतवर्ष, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह लोग किसान इस कानूनों के खिलाफ है और ये कानून वापस ले लेने चाहिए। अगर अपनी आंख भी खुलेगी ना तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन वही जयप्रकाश जी बात करें, भाजपा के जो नेता है, भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस का दोगला चेहरा सामने आया है कि उन्होंने पंजाब में कानून लागू कर दिए हैं, तो इस पर क्या कहना है? दोगला चेहरा कैसे लागू है? हम तो वो कह रहे हैं कि जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वही कृषि कानून पंजाब में लागू कर दिए गए हैं। कहां कर दिए हैं? हम तो खिलाफ हैं, हमने तो इनके खिलाफ पास किए हैं। यही तो धोखे की बात करते हैं ना, ये जेजेपी और बीजेपी हरियाणा में झूठ बोल रहे हैं। और आपको याद होगा कई दिन पहले देश के कृषि मंत्री ने कहा था कि हमने तो वही कानून लागू किए हैं जो आज ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर के हेड थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन ये नहीं बताते कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रिकमेंडेशन बची हुई थी उनको क्यों नहीं लागू करते? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर यही तो कहा था भाई एमएसपी से नीचे खत्म खरीदना हो, एमएसपी से नीचे जो खरीद करेगा उसको दंड का प्रावधान हो, 15% किसान को उसकी जो टोटल वैल्यू है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने उसको सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी पड़ेगी। किसान क्या मांग रहे थे? किसान यही मांग रहे थे कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे जी। दूसरा ये मांग रहे थे कि इसका अदालत में, जुडिशियल, न्यायपालिका में मुकदमा चले, न कि एसडीएम कोर्ट जी। तीसरा ये मांग रहे थे कि भाई हमारा जो उससे नीचे को खरीदेगा उसके सजा का प्रावधान हो, ये चीजें तो मांग रहे। अब देखो, प्राणी को लेकर जमीन मेरे 2 किले और जुर्माना 1 करोड़ रुपया, 2 किले बिकेंगे 30 लाख के, 70 लाख रुपये कहां से लाऊंगा जी? यह तो मोहम्मद तुगलक ही कानून पास करे जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ कोई जनता नहीं बसती, ये कोई मंदबुद्धि के लोग समझते हमें, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की गठबंधन की सरकार।
अब वो समय नहीं है, अब समय बदल चुका है। आप देखिए, आप पुराने कितने उदाहरण, ये टेनेंट एक्ट था पार्टीशन के बाद, जो लोग जहां करके बैठ गए थे उसके मालिक बन जाते थे, कितने मुकदमे में चलते थे, लिटिगेशन में जाते थे। आज ये जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो क्या, जब यहाँ का हमारा किसान चाहता ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती की जा रही जी। अगर मैं कहता हूं कि सरकार तत्काल तीनों कानूनों को वापस ले, उसके बाद कोई सेंसिस बनाए पूरे देश में, किसान संगठनों को बुला करके उनसे बातचीत करके समझाए। अगर आज मान लो उनकी बात में किसान हठधर्मी कर रहे हैं, तो उस हठधर्मी को तोड़ने की जिम्मेवारी सरकार की है, किसानों की नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते किसानों से, मन की बात करते हैं, जनता को संदेश देते हैं। और जब प्रधानमंत्री नहीं थे जब तो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी जाते थे मोदी जी। आज इस देश का अन्नदाता सड़कों के ऊपर बैठा है। मेरे हिसाब से आज जीरो टेम्परेचर रहा होगा, तापमान रात का जीरो रहा होगा। आज 10-10 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग हमारे वहां बैठे। केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और शर्म आनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आज मैंने एक जेजेपी के विधायक का बयान पढ़े, बार बार ये जेजेपी के विधायक कहते मेरे इस्तीफा देने से क्या बनता है। मैं कहता हूं ये झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जेजेपी के जितने भी विधायक है, अगर इन्होंने किसान की मदद करनी है, अगर ये इन कानूनों के खिलाफ है, तो ये तत्काल अपना समर्थन वापिस लें सरकार से। मैं इस्तीफे की भी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि अपने नेता बदल दो दुष्यंत को। 6 आदमी इकट्ठे होकर दुष्यंत को नेता तो बदल सकते हैं। 6 इनके विधायकों का बयान आ गया कि भाई हम किसानों के साथ हैं, तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि जनता के लोगों, ऐसी भावनाओं में बह करके गलत काम ना कर देना, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में इस जच्चा बच्चा को वोट दे करके हरियाणा प्रदेश में नालायक और नकम्मी सरकार बनाई। 10 विधायक हैं, 6 कह दें हम निश्चित को नेता नहीं मानते। अगर दूषित समर्थन वापिस नहीं लेता तो अपना नया नेता चुन ले, नया नेता चुन के समर्थन वापिस ले ले। दुष्यंत की हैसियत क्या है? दुष्यंत की संवैधानिक हैसियत केवल एक है, वो जेजेपी का नेता है, तो उसने उसको नेता से हटा दो। तो ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। हम जनता से कहेंगे कि जनता गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कहने का एक तरफ समर्थन की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसानों के पक्ष में समर्थन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ समर्थन वापिस भी नहीं ले रहे। हाँ, ये किसानों को गुमराह नहीं कर रहे, धोखा कर रहे। ये मैं कहता हूं कि किसानों के सबसे बड़े शत्रु कोई है पार्टी, तो जेजेपी और जेजेपी के विधायक हैं, जो ये समर्थन वापिस ले। नेता बदल दो, नेता बदल के आप कर सकते हो फैसला, हम समर्थन वापिस ले सकते हैं। दूसरे अकेला क्या करेगा? अगर तीन, मैं कहता हूं आप पार्टी मत ब्रेक करो, 10 आदमी जी, 10 में से 6 आदमी अपना नेता बदल, एक साइड हो जाए तो वो अपना नेता चुन सकते हैं, नेता चुन सकते हैं, और नेता अपना सरकार से समर्थन वापिस ले ले, वो जेजेपी में रहो। लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि मैं अकेला, जिसको भी रोकते हैं लोग, भाई आप इस्तीफा दो, मैं अकेले, मेरे इस्तीफे देने से क्या बनता है। ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। सबसे बड़े दोषी कोई है तो जेजेपी है, यानी शर्म आनी चाहिए जेजेपी के नेताओं को। ये किसान का भला करेंगे? किसानों की आज भी आंख नहीं खुलेगी, मजदूर की आज भी आंख नहीं खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी। आपको याद होगा 31 दिसंबर की रात को हमारे बूढ़े बुजुर्ग किसान सड़कों पर थे, और ये कैसीनो में जो जुआ सट्टा जहां खेला जाता है, मतलब कैसीनो कोई तीर्थ स्थान नहीं है, कैसीनो कोई हमारा भगवान जी का मंदिर नहीं है, कैसीनो तो केवल काले धन की कमाई पर बिगड़ैल परिवारों के बच्चे कैसीनो में जाते हैं। वहां नशाखोरी भी है और वहां जुआ खेलने के लिए जाता है, तो जुआ खेलते। एक साहबजादा आपने देखा होगा, वो उसमें एक सिगरेट पी रहा है, गांजा बार है वहां पर जी, पता नहीं उसमें क्या था सिगरेट में, ऐसे पी रहा था सिगरेट, मैंने तो टीवी उसमें देखे वीडियो में। तो यानी कि ये किसान का भला करेंगे? मैं कहता हूं कि ऐसे परिवारों का राजनीतिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए, इनका तो सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। जो इस देश के किसान की हालत खराब हो रही है, और उनको कैसीनो में बैठा है, कोई गांजा बार में बैठा है, कोई कहीं छुट्टियां मना रहा है, कोई कहीं छुट्टियां मना रहा है, कहां ये किसान के हमदर्द लोग। जयप्रकाश जी, अभय चौटाला ने भी कहा है कि अगर 26 जनवरी तक अगर सरकार नहीं मानती, इन कृषि कानूनों को वापिस नहीं लेती है, तो 27 जनवरी को अपना इस्तीफा दे देंगे। देखिए, इस्तीफा देने की उसमें बात अच्छी है, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन 27 तक इंतजार क्यों करते हैं? आज इस्तीफा दे दो, लड़ो किसानों के साथ जाकर के। अब 27 तक इंतजार करेंगे, देखो ये विधायक है, विधायक इस्तीफा देता है तो सरकार के ऊपर बड़ा दबाव पड़ता है। और ये नहीं कि अभय सिंह अकेला विधायक है, वो अकेला विधायक नहीं, वो बहुत बड़ी ताकत है,
उसने अभी इस्तीफा देना चाहिए ताकि दूसरे विधायक भी उस मार्गदर्शन पर चले। आज निर्दलीय विधायक भी गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापिस ले चुके हैं, तो अब चौटाला इस्तीफा ही दे दो, देखो फिर नजारा सरकार कहां जाएगी। अच्छा काम है अभय का, लेकिन आज ही देना चाहिए, इंतजार करनी, जिंदा कौमें कभी भी लंबे आस नहीं करती। जयप्रकाश जी वहीं अगर बात करें तो आजाद उम्मीदवार बलराज कुंडू हैं, वो लगातार जो किसान महासादत दे रहे हैं उनके घर पर आर्थिक तौर पे दो दो लाख रुपए राशि वो पहुंचा रहे हैं और बतौर अभी किसान आंदोलन में अपनी भूमिका भी अहम निभा रहे हैं। आपकी सरकार उन किसानों के लिए क्या कर रही है जो शहादत ले चुके हैं? देखिए ये सरकार गूंगी और बहरी है, बिल्कुल ही अपंग हो चुकी है और इनको पता नहीं है। आपको याद होगा 2002-03 में ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी की हठधर्मी की वजह से जो आज मनोहर लाल जी कमला गांव में कर रहे थे ना, ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला ने आपको याद होगा तो किया था, बोला मैं जीन सिर हंसी जाऊंगा। हाँ कंडेला कांड हुआ था, हाँ सी जा रहे थे रास्ता खुलवाने पे, हमारे 8 किसान पुलिस की गोली से मरे थे। तो उस वक्त आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां तक मुझे समान है कि हर किसान के घर में 1-1 लाख रुपया भेजा था जी, और ये कहा था भी अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं सबको नौकरी दूंगा और उनकी आर्थिक सहायता करूंगा। आज जाकर के उन परिवारों को देख लो कि सबको आर्थिक सहायता भी दी और सबको सरकारी नौकरी और उनको शहीदी का दर्जा दिया। आज इसी तरीके से मैं तो धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस विधायक दल के नेता का, अपोजिशन लीडर का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसने अब भी फैसला कर दिया। परसों चौथा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा टीवी के ऊपर कि हर किसान जो किसान हमारे शहादत देंगे शहीद होंगे मैं 2-2 लाख रुपये दूंगा और जब हमारी सरकार मेरी सरकार बनेगी तो मैं सबको वही सुख सुविधाएं दूंगा जो एक शहीद के परिवार को दी जाती है जी। जयप्रकाश जी बात करें सरकार मानने को तैयार है क्योंकि 9 दौर की वार्तालाप होगी, क्योंकि वजह से कोर्ट में देखा जाता तारीख पर तारीख डलती है और लगभग एक केस को 5-5 साल निकल जाते हैं, आम आदमी की चपलियां जो है वो घिस जाती हैं उस केस को लड़ते लड़ते, लेकिन सरकार भी उसी जिद पर अड़ी हुई है 9 दौर की वार्तालाप होगी, अगली नई तारीख आ गई है। सरकार को किस भाषा में समझाना चाहिए या सरकार किस भाषा में समझना चाहती है? देखो मैंने जो आज उनका तकरीर सुनी है हमारे किसान संगठनों का क्यों बहुत अच्छा है, क्यों 26 जनवरी को तिरंगा लेकर के जाएंगे राष्ट्रीय झंडा जी, राष्ट्रीय झंडा के ऊपर वार करेंगे तो जब जनता देखेगी कौन से देशभक्त है, कहाँ इनका राष्ट्रवाद, कहाँ इनकी राष्ट्रीयता, अगर उनको जाने से रोकेंगे तब भी देश की जनता देखेगी। 26 जनवरी को आपको याद होगा कि अब तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हर कोई लेके जा सकता है जी। आज से 10 वर्ष पहले तक राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हमें इजाजत मिलती थी, हम अपने हाथों में झंडा तिरंगा झंडा लेकर के घूमते थे जी। तो किसान जाएंगे तब पता लगेगा सरकार का राष्ट्रीयवाद कहाँ है, तब सरकार की नैतिकता कहाँ है, और किसानों ने जाना भी चाहिए, वो सरकार के खिलाफ थोड़ी जाएंगे, वो तो सरकार को आगाह करने के लिए जा रहे हैं कि भाई आप हमारी बात को क्यों नहीं मानते। आज मुख्यमंत्री जी को तो पता लग गया ना जी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उसका क्यों इन लोगों ने बढ़ने दिया, कल उनके डिप्टी स्पीकर का क्या प्रगति करी, इनके विधायक चोरों की तरह छुपे फिरते हैं, लुक रहे हैं, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में ना जाए तो उससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो इनकी हालत बहुत बुरी है और इनका हर्ष ऐसा होगा जैसे 1987 में हुआ था। जयप्रकाश जी अंत में कांग्रेस की तरफ से आप दिग्गज नेता भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, क्या सरकार को अनुरोध करना चाहेंगे ताकि इस हट को छोड़े और किसानों की बात माने? देखिए मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपनी तरफ से भी हम तो बार बार कह चुके हैं कि भाई आप हठधर्मी को छोड़ दो, प्रजातंत्र में हठधर्मी नहीं चलती। सरकार ने तत्काल अगर स्पेशल सेशन भी नहीं बुलाते तो कैबिनेट मीटिंग बुला करके शाम से पहले पहले तीनों इन कानूनों को एक ऑर्डिनेंस की तरह जी निरस्त करके और उसके बाद सब किसान संगठनों को बुलाए, पूरा देश का समूचे विपक्ष को बुलाए, उनसे विचार विमर्श करे, तभी तो प्रजातंत्र है। ये तो तानाशाही भी अपना रहे, अब तानाशाही नहीं चलेगी। और ये जो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि बहुत से किसान संगठन हमारे साथ है, आज तक सरकार किसी किसान संगठन को जनता के सामने नहीं ला पाई कि इन बिलों का समर्थक कौन है। एक आए थे हमारे यहाँ के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो किसान यूनियनों से निकाले हुए नेता हैं,
जी, ऐसे लोग वहां गए हुए थे जिन्हें का जनाधार नहीं है, जिनके को संगठन नहीं है, ऐसे राजनीति चलेगी। अब मोदी जी ने भी विचार करना पड़ेगा कि समय बदल गया है, वो सत्ता ले गए, लोगों के सामने बहका करके 15 लाख का लोभ लालच दे करके तरह तरह के ड्रामे करके, जैसे हरियाणा में जच्चा बच्चा वालों ने कहा था क्या 900 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, वो अब की बार की किस्त भी मार गई जी। ये तो ठगों का टोड़ा इकट्ठा हो रहा है, लोगों ने निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हम लोग किसान की पीठ के पीछे खड़े हैं। देखो आंदोलन किसान संगठनों का है लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी पीठ के पीछे है, जो हमें हुक्म देंगे हम वो करेंगे, कर रहे हैं, और हमारे नेता तो जगह जगह आपने देख लिया हुआ जाहिर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान संगठन आगे चलेंगे और पीछे जो है कांग्रेस पार्टी उनके साथ चलेगी, लेकिन साफ तौर पर यह कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी हट छोड़ें और कृषि कानूनों को वापस लें और किसानों की बात माने, क्योंकि तारीखों पर तारीख जो है वो लागू की जा रही है। 8 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, 10वें दौर की वार्तालाप के लिए 15 तारीख जो है वो तय की गई है, लेकिन इस तारीखों के दौर में लगभग 60 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। ठिठुरती ठंड में इन आंदोलन को लेकर किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही और अपनी हट पर जो है अड़ी हुई है। लेकिन देखना यह कि सरकार और कितनी साथ चाहती है और इन कृषि कानूनों को वापस लेती है या नहीं लेती, या किसान जो है वो ऐसे ही बॉर्डरों पर बैठे लेंगे। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर यह कहा है कि 26 जनवरी को अब की बार किसान जो है वो झंडा फहराएंगे और 26 जनवरी परेड में अब की बार तोप वगैरह या परेड वगैरह नहीं, वहां पर किसानों के जहाज यानी कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन देखना यह कि 26 जनवरी को दिल्ली सरकार या केंद्रीय सरकार उन किसानों को रोकने के लिए क्या करती है, क्योंकि वही हालात आज देखे गए, क्योंकि एक महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज एक महापंचायत का आयोजन करनाल में किया गया था, लेकिन वहां पर किसानों ने उसको विरोध किया और उस वहां पर पुलिस द्वारा जो है किसानों पर बल का भी प्रयोग किया गया, जो कि साफ तौर पर जयप्रकाश जी ने कहा कि ये निंदनीय है। किसान निहत्ते हैं, वो अपने आंदोलन जो शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हरकत करना पुलिस द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इनकी निंदा कड़े शब्दों में करते हैं और पार्टी की तरफ से भी ये उनके किसानों के हक में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उनके साथ लगातार इनकी लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक।